सीएम चन्नी दोनों सीटों पर पीछे है। ये बहुत बड़ा संकेत है, चाहे वो चमकौर साहिब हो चाहे भदौर हो। चमकौर साहिब तो उनकी पारंपरिक सीट है, इसके अलावा वो भदौर के गए थे, तो ना यहाँ न खुदा ही मिला ना बिसाले सनम, वो हालत हो रही है उनकी जो दिखाई दे रही है। जल्दी से प्रभु जी कमेंट कर रहे हैं। प्रभु जी कैप्टन अमरिंदर साहब पीछे हैं, आपने कैप्टन साहब पीछे हैं, सोचिए सारे घर की सिद्धू पीछे, मजीठिया दूसरे नंबर पर है, वहाँ पर सिर्फ योगी जी को छोड़कर के सारे मुख्यमंत्री पीछे, पहले नंबर पर प्रकाश सिंह बादल, प्रकाश सिंह बादल जानते वो है, लांबी से पीछे चल रहे प्रकाश सिंह बादल, पटियाला से कैप्टन अमरिंदर सिंह, धूल चटाने की सोच ली है क्या पंजाब ने अपने दिग्गजों को, क्या कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल पहले आपको सुना देते हैं, क्योंकि 84 का फासला ये 117 में से 117 रुझान आ चुके हैं, अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं सुनिए। पहले से उन्होंने जो जीत का दम भरा था, वो पहले जो उन्होंने दावे किए थे वो हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि 117 में से 117 रुझान आ चुके हैं, 17 पर कांग्रेस पार्टी है, तो 84 जमीन आसमान का फासला इसे कहा जा सकता है, वहां पर आम आदमी पार्टी आगे दिखाई दे रही है, और ये स्वीकारना पड़ेगा कि एक लहर दिख रही है। जल्दी से देख लीजिए क्या दावे किए थे अरविंद केजरीवाल। अब तो मैंने लिख के भी लिख के दे दिया, क्या लिख के दिया आपने? चन्नी साहब दोनों सीटों से हार रहे हैं, तो हमें भी लिख के दे दीजिए। नहीं एक बार लिख दिया चलो, और लहर अगर आ रही है तो लो लिखो, कागज दीजिए, कोई है कागज वहां पर, कागज दे दो, और अगर लहर आ रही है तो ये भी लिख के दे दीजिए कितनी सीटें आ रही है। नहीं सीटें कितनी की नहीं, बात ये करो, एक और लिख के दूंगा मैं, चलो जरूर वो भी मैं लिख के दे रहा हूँ सुपर सीएम। नहीं लिख के दे दो, क्या लिख रहे सर, साथ में बोलते जाओ। चन्नी साहब दोनों सीटें हार रहे हैं, और आम आदमी पार्टी कितनी सीटें जीत रही है? अच्छा एक और चीज है, कल चन्नी साहब ने कहा था कि भगवंत मान जी धुरी से कितने वोटों से आ रहे हैं? 20,000 कह रहे थे, आज मैं अभी धुरी होके आ रहा हूँ, धुरी से सीधा आपके प्रोग्राम में आ रहा हूँ, कम से कम 51,000 वोटों से भगवंत मान जीतेंगे, ये भी लिख के दो। अच्छा तो ये तीन चीजें आप लिख कर जा रहे हैं इस समय? नहीं और नहीं, आप पार्टी कितनी सीटें आ रहे हैं? एक मिनट ये मैं रखूंगी। हाँ रखो पेपर कम पड़ रहा हो तो, और जाके बोल रहे हैं पब्लिक से, पेपर कम पड़ रहा हो तो और मंगा ले। नहीं हम इसी स्टूडियो में नहीं करते ये, उधर दावा किया था आपने सुन लिया, चमकौर साहिब और भदौर दोनों ही सीट हारेंगे चन्नी साहब, ये उन्होंने लिख के आज तक को दिया था। अभी दोनों ही सीटों पर उनकी पार्टी पीछे चल रही है, मतलब चन्नी साहब पीछे चल रहे हैं, बहुत बड़ा संकेत ये। और धुरी पर जहां से भगवंत मान है वो दावा कर रहे थे कि 50,000 से ज्यादा वोटों से भगवंत मान वहां पर जीत हासिल करेंगे।